यूपी से चलता है दिल्ली और दिल्ली से चलता है देश। दिन भर दिल्ली। कोरोना संक्रमण के मामले उत्तर प्रदेश में बढ़ते जा रहे हैं। सूबे की राजधानी लखनऊ समेत तमाम बड़े शहरों में कोरोना के कहर से हालात बहुत खराब होते जा रहे हैं। मरीजों के परिजन परेशान हैं, उन्हें ऑक्सीजन तक नहीं मिल रही है। कोरोना संक्रमण के मामले उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सूबे की राजधानी लखनऊ सहित तमाम बड़े शहरों में कोरोना के कहर से हालात खराब होते जा रहे हैं। ऐसे में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सोमवार को लखनऊ, कानपुर और वाराणसी सहित 5 शहरों में 26 अप्रैल तक पूर्ण लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया था। हालांकि योगी सरकार लॉकडाउन लगाने को तैयार नहीं हुई और सुप्रीम कोर्ट के जरिए इस आदेश पर रोक लगवाने में सफल रही, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों में किसी तरह की कोई रोक नहीं लग पाई है और सरकारी आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि कोरोना किस तरीके से बढ़ता ही जा रहा है। 24 घंटे में 29,754 नए केस, 24 घंटे में 163 लोगों की मौत हुई। लखनऊ में 5,014 नए कोरोना केस, लखनऊ में 19 मौतें हुई। कानपुर में 1740 नए केस, कानपुर में 28 मौतें हुई। प्रयागराज में 2,175 नए कोरोना केस, प्रयागराज में 13 मौतें हुई। वाराणसी में 1637 नए केस, वाराणसी में 7 मौतें हुई। मेरठ में 1287 नए कोविड केस। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के साथ साथ कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है और लापरवाही का आलम यह है कि खुद बीजेपी के सांसद सरकार की तैयारियों और कोविड नियमों से भर्ती हो रहे मरीजों के मामलों पर सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं विपक्ष भी सरकार की तैयारियों को बहुत कमतर आंक रहा है। कोरोना पॉजिटिव के जो मरीज हैं उनको एडमिट करने के लिए जो सीएमओ के द्वारा एक ऑर्डर कराया जाता है और कंट्रोल रूम से पत्र जारी कराया जाता है, तभी उनको कहीं ना कहीं एडमिशन मिलता है और एडमिट हो पाते हैं। ये व्यवस्था पूरी तरह से गलत है। तमाम पेशेंट कई कई दिन तक के इसलिए नहीं एडमिट हो पाते कि सीएमओ साहब कंट्रोल रूम में बोलते हैं, नाम नोट कराते हैं, उसके बावजूद भी वहाँ पर कई कई दिन लग जाता है, जिसकी वजह से वहाँ से एडमिट होने का लेटर नहीं जारी हो पाता। मुख्यमंत्री जी, जो आपने 1.5 लाख बेड पिछले साल लगवाए थे, क्या उत्तर प्रदेश में थे या मंगल ग्रह जैसे किसी और ग्रह पर लगाए थे? उत्तर प्रदेश के लोग जानना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के लोग जो तड़पते हैं, इलाज के अभाव में दम तोड़ रहे हैं, चारों तरफ से चीख चिल्लाहट है, आखिर आपकी झूठ आपको सांत्वना दे सकती है, उत्तर प्रदेश को सांत्वना नहीं दे पा रही है। मैं प्रधानमंत्री जी आपसे गुजारिश हाथ जोड़ के कर रहा हूं कि सर प्लीज, जो दवाएं कोरोना में काम आ रही हैं, जिनसे लोगों की जान बचाई जा रही है, इन पर से GST कम से कम 6 महीने के लिए खत्म कर दीजिए। ना खत्म कीजिए पूरा, 6 महीने के लिए खत्म कीजिए। और जो ऑक्सीजन 12% और 18% GST पर बेचा जा रहा है, इसको भी फ्री कर दीजिए सर, ऑक्सीजन भी फ्री कर दीजिए सर। लखनऊ में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का आलम यह है कि कोरोना से अपनी माँ को खो चुकी बेटी वीडियो जारी कर स्वास्थ्य विभाग की पोल खोल रही है। वही क्या हाल है लखनऊ में कोविड कमांड सेंटर का, देखिए रिपोर्ट। हेल्पलाइन नंबर जो है 1075, हमने इतनी बार मिलाया, कोई नहीं उठाता है। उठाता है तो बस डिटेल्स लिख लेता है और कहते हैं हम जल्द से जल्द आपसे संपर्क करेंगे। कोई एम्बुलेंस तक के लिए भी कोई मदद नहीं कर रहा था। उनकी बॉडी यहाँ पे इतनी घंटों तक घर पे रही है, उसके बाद हमने पेड सर्विस करके एम्बुलेंस बुलाई है, 20,000 रुपये दे के हमने उनकी बॉडी भिजवाई है। आज सुबह उनका अंतिम संस्कार हुआ है। एक तरफ मरीजों को भर्ती नहीं किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जीवन रक्षक दवाइयों की कालाबाजारी के चलते लोग अपनों को खो दे रहे हैं। सुनिए झांसी के इस मरीज के परिजन की गुहार। जय श्री श्रीवास्तव, रेलवे में सीनियर सेक्शन इंजीनियर हूँ, मेरी वाइफ भी रेलवे सर्विस करती है
और करीब हफ्ते भर से एडमिट हैं रेलवे हॉस्पिटल में। उन्हें कोरोना हो चुका है और काफी तकलीफ हो रही है, इंजेक्शन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। सर मेरी बात सुनिए प्लीज, सर मेरी बात सुनिए। अरे सुन तो लीजिए, क्या करेंगे, ये जो आ रहा है फोन पे बात करते करते ऊपर चला जा रहा है। कोरोना से प्रदेश में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर दवाओं और अस्पतालों में बेडों की भारी कमी है। लोग तड़प तड़प कर मर रहे हैं और सरकारी प्रशासन केवल अपनी पीठ को थपथपाने पर लगा हुआ है। और ये सब लापरवाही कब रुकेगी ये आने वाला समय बताएगा। तब तक के लिए लोगों की जान अब भगवान के भरोसे ही नजर आ रही है। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस तो पहले से ही अपना कहर बरपा रहा है, लेकिन वायरस के साथ साथ अस्पतालों में बद इंतजामी भी मरीजों की जान पर भारी पड़ रही है। कोरोना वायरस ने पूरे यूपी को अपनी आगोश में ले लिया है। दूसरी लहर में कोरोना ने यूपी को ऐसा जकड़ लिया है कि उसकी पकड़ से मरीज छूट नहीं पा रहे हैं। मरीज तड़प रहे हैं, कुछ को अस्पताल में जगह नहीं मिल रही है और कुछ जो अस्पताल पहुंच गए हैं वो अस्पताल में बदइंतजामी का शिकार हो रहे हैं। कहीं पर बचाव नहीं है, अस्पताल नहीं पहुंचे तब भी वायरस जिंदगी पर भारी, और अगर पहुंच गए तो लापरवाही आपकी जान पर भारी पड़ सकती है। चारों तरफ हाहाकार है, आखिर ऐसे में वायरस से निजात कैसे मिले। शामली की इन तस्वीरों को देखिए, देखकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे, रूह कांप जाएगी। शामली का ये वीडियो देखकर आप सहम जाएंगे, क्योंकि ऐसी बदइंतजामी आपने इससे पहले कभी भी कहीं नहीं देखी होगी। शामली के कोविड अस्पताल में बदइंतजामी ही बदइंतजामी है। मरीजों को पीने के लिए साफ पानी तक नहीं मिल पा रहा है। हालत यह है कि मरीज बाथरूम की टंकी का पानी पीने को मजबूर है। ये वीडियो वायरल हुआ तो शामली की डीएम ने जांच की बात कही, लेकिन जांच तो बाद में होगी, मरीजों को तो अभी बदइंतजामी का शिकार होना पड़ रहा है। इसके लिए किस पर कार्रवाई होगी। कन्नौज में भी बहुत बुरा हाल है। कन्नौज में बिना ऑक्सीजन के मरीज दम तोड़ रहा है। सोमवार रात 3 बजे ऑक्सीजन ही खत्म हो गई, मरीज की सांस फूलने लगी। मेडिकल कॉलेज में मरीजों के तड़पने के ये वीडियो वायरल हुआ है। पत्रकार उज्जवल की ऑक्सीजन नहीं मिलने से मौत हो गई। जब बदइंतजामी की शिकायतें करने के लिए अधिकारियों को फोन करो तो फोन नहीं उठाते हैं और बाद में जांच की बात कह देते हैं। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही मरीजों की जान पर भारी पड़ रही। नहीं नहीं, जो अब जानकारी में आया है तुरंत, अभी मेरी प्रिंसिपल से भी बात हुई है, इसके सारा पूरा प्रयास हो रहा है। इसके टेंडर भी कर दिए गए थे, लेकिन जिसको टेंडर किया उसने भी सप्लाई समय पर नहीं दिया है। तो अभी हम लोग मंत्री जी से भी बात कर रहे हैं और आज शाम तक इसकी व्यवस्था कराने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। नहीं, ऑक्सीजन थी, कुछ स्टॉक कम था, ये जानकारी मिली है। ऑक्सीजन तो है, लेकिन आज शाम तक कोशिश हो रही है कि कहीं से भी अरेंज किया जाएगा। मेरठ में भी स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। मेडिकल कॉलेज हालत बिगड़ रही है। हालत इतने खराब हो चुके हैं कि मरीजों को बेड नहीं मिल पा रहा, कई मरीज स्ट्रेचर पर ही पड़े हैं। मेडिकल में मरीजों की मदद के लिए कोई नर्सिंग स्टाफ नहीं है। हाथ में बोतल लेकर ड्रिप चढ़ाई जा रही है, तीमारदार खुद ही ऑक्सीजन लगाए खड़े हैं। मेरठ मेडिकल कॉलेज में कोविड वार्ड फुल है, मेडिकल का नर्सिंग स्टाफ हड़ताल पर है। जिले के अफसर बदहाली पर चुप्पी साधे बैठे हैं। इलाज नहीं मिलने से मरीज मर रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला है ही नहीं। मरीज भगवान भरोसे अपने दिन काट रहे हैं। शामली से रवि सुलानिया, कन्नौज से अंकित शुक्ला और मेरठ से भारत समाचार के लिए नरेंद्र प्रताप की रिपोर्ट। कोरोना महामारी के बीच में कैसे अपनों की एक एक सांस को बचाने के लिए जंग चल रही है, उसे भी देखना बहुत जरूरी है। इस रिपोर्ट के जरिए आप उसे देखिए।
कोरोना की बेतहाशा बढ़ती स्पीड भारत के सभी स्वास्थ्य तंत्रों को धराशाही कर चुकी है। एक तरफ लोग जांच के लिए भटक रहे हैं तो दूसरी तरफ इलाज के लिए, और अगर इलाज मिल रहा है तो आखिर में ऑक्सीजन की कमी से बेहाल हो रहे हैं और दम तोड़ दे रहे हैं। कोरोना काल में मौत और जिंदगी के बीच जंग लगातार जारी है। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये कहा नहीं जा सकता। कोरोना वो बड़वानल की आग बन गया है कि बस लोगों की जान लेता चला जा रहा है और लोग आंकड़ों में बदलते जा रहे हैं। आने वाले दिनों में भारत में दो तरह के लोग हो सकते हैं, एक कोविड पेशेंट और दूसरे नॉन कोविड, क्योंकि इस बीमारी से लोगों का बचना दिन पर दिन मुश्किल भरा हो रहा है। आपको लखनऊ के ऑक्सीजन प्लांट की तस्वीरें दिखाते हैं कि कैसे लोग रात से अपनों के लिए सांसों का इंतजाम करने के लिए लंबी लंबी लाइनों में खड़े हैं और क्या जद्दोजहद कर रहे हैं। प्रदेश में लगातार कोरोना का जो संक्रमण है वो लगातार फैलता जा रहा है। ऐसे में तमाम बड़े दावे किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से भी, कि जो ऑक्सीजन सिलेंडर है वो पर्याप्त मात्रा में है, किसी को भी कोई जो है किल्लत नहीं होने दी जाएगी। इसके अलावा जो तमाम हॉस्पिटल है वहाँ पर बेडों की जो व्यवस्था है वो बेहतर कर दी गई है, जो दवाइयाँ हैं वो लोगों को मुहैया कराई जा रही हैं। लेकिन आप समझिए कि ये ताल कटोरा है और यहाँ पर आप देखिए जो ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है तो आप देखिए कि यहाँ पे आपको लंबी लंबी लाइन जो है वो दिखाई दे रही है कि किस तरह से लोग जो है ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। आप देखिए कि ये सुबह जो है बताया जा रहा है कि कोई 4 बजे आया था, कोई रात में 2 बजे आया था, और ये लाइन में लगे हुए हैं, अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और जो सुबह 4 बजे शख्स आया था उसको अभी भी जो है सिलेंडर मुहैया नहीं हो पाया है। कुछ देर पहले एक भाई हैं जिनको कई घंटे बाद जो है सिलेंडर मिल पाया है। इनके घर में जो इनके परिजन हैं, कोई किसी की माँ जो है वो कोविड पेशेंट है, किसी का भाई जो है वो बीमार है, किसी के पिता जो है वो सीरियस हैं, किसी की माँ जो है वो सीरियस हालत में है, और ऐसे में जो है ऑक्सीजन सिलेंडर की तत्काल उनको आवश्यकता है। लिहाजा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है लंबी लाइन लगी हुई है। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। इसके साथ साथ हम आपको दिखाएंगे कि कैसे ऑक्सीजन प्लांट में सिलेंडरों की रिफिलिंग की जा रही है और लोगों को कितनी तादाद में ऑक्सीजन मुहैया कराई जा रही है। देखिए, कोरोना में जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो इस समय ऑक्सीजन साबित हो रही है, और ऑक्सीजन को लेकर के मारामारी मची हुई है। तो आपको हम यहाँ पर पहुँचे हैं एक ऑक्सीजन प्लांट में, और आप ये देखिए, ये लिक्विड ऑक्सीजन का टैंक है। इसी लिक्विड ऑक्सीजन के टैंक में ऑक्सीजन लिक्विड को रखा जाता है और एक पूरा प्रोसेस होता है, वेपराइजर लगाया जाता है, एक प्रोसेस होता है, और उस प्रोसेस चेन के तहत लिक्विड ऑक्सीजन सामान्य ऑक्सीजन में चेंज होती है, बदलती है, और उसके बाद धीरे धीरे ऐसे जो सिलेंडर्स होते हैं जो यहाँ पर आ रहे हैं उनकी रिफिलिंग की जाती है। लिक्विड ऑक्सीजन को लेकर के भी लगातार क्राइसिस हो रही थी। भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश को 750 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन का कोटा रिजर्व कर दिया है। इसके अलावा पड़ोसी राज्यों से भी, जहाँ पर ऑक्सीजन की खपत इतनी नहीं है, वहाँ से भी लिक्विड ऑक्सीजन परचेज किया जा रहा है। इसी लिक्विड ऑक्सीजन को लेकर के ही जो सबसे बड़ी क्राइसिस है वो दिखाई दी, क्योंकि लिक्विड ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो रही थी। तो ऐसे में जो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन गैस होती है, वो उपलब्ध नहीं हो पा रही थी और लोगों को नहीं मिल पा रही थी। तो यहाँ पर बड़ी भारी तादाद में लोग पहुँच रहे हैं, और क्या हालात रहे हैं बीते एक हफ्ते में, के उपाध्याय जी हम उनसे पूछते हैं। उपाध्याय जी, बीते एक हफ्ते में हमने देखा बड़ी क्राइसिस ऑक्सीजन सिलेंडर्स को लेकर के रही है, क्योंकि आप यहाँ पर पूरा मैनेजमेंट देख रहे हैं, क्या एक हफ्ते का एक्सपीरियंस रहा आपका? सर, पिछले एक हफ्ते से ऊपर हो गया है, क्राइसिस एकाएक बढ़ गई है कोविड की वजह से। और क्राइसिस की कंडीशन ये है कि सर, पूरा स्टाफ हम लोग मैक्सिमम 20 घंटे 22 घंटे वर्किंग कर रहे हैं, उसके बावजूद भी सर हम फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, कि जब हमारे पास लिक्विड नहीं रहता तो हमें मजबूरन प्लांट बंद करना पड़ता है, प्रोडक्शन को स्टाफ करना पड़ता है। अगर ये लिक्विड कुछ प्रॉपर मिले तो कुछ बेटर हम और कर सकते हैं। ये लिक्विड ऑक्सीजन कहाँ से आप लोग को मिलता है, क्या इसका कोई कोटा आप लोग को निर्धारित रहता है? नहीं, ऐसा कोटा तो कोई निर्धारित है, हम लोगों ने अपनी अपनी डिमांड बताई है। जैसे हमने अपनी डिमांड बताई थी मिनिमम 10 टन, मैक्सिमम 15 टन डेली चाहिए हमको, इसी तरह अदर प्लांट वालों ने भी अपनी डिमांड बताई है, लेकिन उस डिमांड के हिसाब से फुलफिल नहीं हो पा रहा है। बहुत बड़ी तादाद में लोग आए हुए हैं यहाँ पर। ये जो पैनल बनाया गया, जो रेंज बनाया गया है, एक बार में 10 सिलेंडर आधे घंटे में रिफिल होते हैं, और उसके बाद इनको लोडर्स पर लोड करके यहाँ से रवाना कर दिया जाता है। ऑक्सीजन प्लांट के ताज़ा हालात देखकर आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे महामारी के बीच लोग एक एक सांस के लिए जंग लड़ रहे हैं,
और अपनों को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार के सारे इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। एक तरफ जहां कोरोना का संक्रमण बेकाबू होता जा रहा है और उसे नियंत्रित करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ लोगों के अंदर लॉकडाउन का इतना खौफ पैदा हो गया है कि बस अड्डों और रेलवे स्टेशनों का मंजर वाकई डराने वाला है। किसान हो रहे हैं, मर रहे हैं, किसी का कुछ लेना देना नहीं। हम रोजमर्रा वाले आ रहे भैया, कमाने खाने दो, जीने दो, मरने दो। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर जो भारी भीड़ की ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये 2020 की नहीं है बल्कि आज की। ये लोग किसी मेले में नहीं जा रहे हैं, ये भीड़ बस अड्डे के लिए, रेलवे स्टेशनों के लिए निकल रही है। एक बार फिर पलायन का डर दिखने लगा है। जैसे ही दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने 6 दिन के लॉकडाउन का ऐलान किया, रेलवे स्टेशनों बस अड्डों पर हजारों लोगों की भीड़ जमा होने लगी। जिस तरह से कल लॉकडाउन की घोषणा हुई, उसके बाद से दिल्ली में अचानक से जो प्रवासी मजदूर हैं उनका पलायन शुरू हो गया। दिल्ली के सभी बस अड्डों, चाहे वो सराय का लेखां बस अड्डा हो, चाहे वो आनंद विहार बस अड्डा हो या कौशाम्बी का बस अड्डा हो, उन सभी जगहों पे भारी मात्रा में भीड़ जो है वो देखी गई। रेलवे स्टेशन पर भी भीड़ देखी गई। रेलवे स्टेशन पर जब भीड़ बेकाबू होने लगी तो रेलवे की तरफ से बयान जारी कर कहा गया कि जो लोगों के पास वेटिंग का टिकट है उनको ही सिर्फ आने की इजाज़त होगी, वो भी वो रेलवे स्टेशन के परिसर में रह सकते हैं, और प्लेटफॉर्म टिकट के ऊपर बिक्री से रोक लगा दी गई थी। फिलहाल रात में लगभग 2 से 3 बजे तक प्रवासी मजदूर जो हैं वो बस अड्डों पर बेतहाशा भीड़ जो है वो उनकी देखी गई, और अभी भी सुबह की अगर बात करें तो अच्छी खासी संख्या में प्रवासी मजदूर जो हैं वो बस अड्डों पर मौजूद हैं और लगातार दिल्ली से पलायन जो है वो जारी है। ये तस्वीरें डराने वाली है। कोरोना की दूसरी लहर में पलायन बेहद खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि साधन से ज्यादा लोगों की संख्या है और ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो पाना कहीं से भी संभव नहीं नजर आ रहा है। ये अपने सर के ऊपर जो है मेरा झोला रख के निकलेंगे यहाँ से। जैसे पिछली बार लॉकडाउन में हुआ था, पिछली बार लॉकडाउन में महिलाओं की प्रेग्नेंट थी, उनके बच्चे तक हो गए। ये सरकार से छुपा नहीं है, हिंदुस्तान की जनता से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। हिंदुस्तान की जनता को सब मालूम है, पहले क्या हुआ, अब क्या हो रहा है, आगे क्या होगा, सब पता है। रोजमर्रा की मजदूरी करने वाले हैं वो कहाँ जाए, वो एक वक्त का जो खाना लाते हैं, एक वक्त की रोजी रोटी कमा के लाते हैं, जिन्हें ये मालूम है कि सुबह से निकले शाम को गए हैं तो 200-300 रुपए कमा के लाते हैं, वो कहाँ जाएं। इन तस्वीरों में प्रवासी मजदूरों की डर के साथ साथ मजबूरी दिख रही है। मजबूरी जिंदा रहने की, मजबूरी पेट पालने की, मजबूरी अपनों को बचाने की। यूपी में भी दिल्ली जैसा ही मंजर है। यहां भी लॉकडाउन का डर कोरोना पर हावी हो रहा है। दिल्ली, गाजियाबाद, लखनऊ से हजारों की संख्या में लोग घर वापसी कर रहे हैं। दिल्ली में लॉकडाउन लगने के बाद और यूपी में अटकलों के बीच बाहर से पलायन करने वाले जो लोग हैं उनकी जो आमद है वो राजधानी लखनऊ के आलमबाग बस स्टेशन पर साफ तौर पर देखी जा सकती है। ये तमाम बसें हैं, हालांकि रोडवेज प्रशासन ने बसों की व्यवस्थाएं जरूर ठीक ठाक करके रखी हैं, दिख रही हैं बसें और लगातार रवानगी हो रही है, लेकिन ये जो भारी संख्या में लोगों को देख रहे हैं आप, ये लोग दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान जैसे तमाम बड़े जो प्रदेशों से वहाँ से आ रहे हैं, और खास करके दिल्ली की संख्या और महाराष्ट्र की संख्या इनमें ज़्यादा है। चूँकि दिल्ली में लॉकडाउन लग चुका है, महाराष्ट्र के हालात बेकाबू हैं, तो ऐसे में अब वो सीधे लॉकडाउन में वहाँ पर दिक्कतों का सामना पिछली बार के तरीके ना करना पड़े, उसको उससे बचने के लिए वो ये जद्दोजहद है कि जो भयंकर भीड़ दिख रही है यहाँ पे, कोविड प्रोटोकॉल का पालन एकदम नहीं दिख रहा। देश में बढ़ते कोरोना के मामले, इस तरह प्रवासी मजदूरों का पलायन बड़े खतरे को दावत दे रहा है। कोरोना ने पहले ही अपना विकराल रूप धारण कर लिया है, ऐसे में हमारी आपसे यही गुजारिश है कि अपने और अपनों के खातिर घर पर रहें, सुरक्षित रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। यूपी से चलता है दिल्ली।